एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्विंग। आज के इस वीडियो में हम एक जो फोर कटिंग बोर्ड होता है उसके अंदर दो प्लग, दो 6 एम्पियर का प्लग और दो स्विच को लगा के एक हमारा डेली यूज़ का टीवी बोर्ड या किसी एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर का सर्किट कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल बेसिक से एकदम सीखने के लिए विद डायग्राम कि हमारा वोल्टेज जनरेशन कैसे होता है 11 केवी से 240 और कनेक्शन कैसे होता है एकदम जो है हमारा जो टेक्निकली होता है जो एकदम फुल डिटेल में कि कैसे जनरेट करते हैं क्यू, इसको न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया जाता है, अर्थिंग क्यू किया जाता है, सभी चीज़ को जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका कनेक्शन नहीं, पूरा इसका वर्किंग और क्यू लेफ्ट साइड लाइन होता है, राइट साइड न्यूट्रल होता है और अर्थिंग ऊपर होता है, मोटा होता है, कैसे कनेक्शन करना है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। चलिए वीडियो में आगे बने रहे। सबसे पहले मैं इसमें इस प्लग और स्विच को लगा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में कनेक्शन और डायग्राम के मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे जो हम प्लग यूज़ कर रहे हैं 6 एम्पियर 240 वोल्ट ये प्लग है एसी, यहाँ पे ऊपर वाला अर्थिंग है, ये इधर वाला एल लिखा हुआ है लाइन है, ये वाला न्यूट्रल है एन लिखा हुआ है और एसी ओनली ये है क्योंकि इसका जो इंसुलेटर एसी के लिए बनाया हुआ गया है, इसका इंसुलेटिंग मटेरियल ठीक है। तो इधर की साइड में देखें तो ये दाएं वाला आपका लाइन होता है, जो ये दाएं वाला होता है राइट साइड, ये वाला लाइन होता है, ये वाला न्यूट्रल होता है, ये वाला अर्थिंग होता है। पीछे जब घूम जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये वाला जो आपके दाएं साइड में था वो बाएं साइड में हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना है, सामने को मैचिंग रखना है, सामने साइड आपका दाएं वाला साइड आपका लाइन होना चाहिए, पीछे अगर घूम जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हर वक्त ये एल और एन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ये जो फोर कटिंग बोर्ड है यहाँ पे दो प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा होता है, इसको ब्रेक करके इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। चलिए हम पहले इसके सर्किट को समझ लेते हैं कि ये क्या हम कैसे करता है, उसके बाद हम इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन सिंपल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर का लॉजिक क्या है, हम कैसे क्यों ये कनेक्शन करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है सोर्स जो है नॉर्मली हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल करने के लिए सर्किट को एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का शो कर रहे हैं जो कि इनपुट में 11 केवी एसी अल्टरनेटिंग करंट इनपुट करता है, उसे 240 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है ठीक है। तो प्राइमरी में जो दो वायर है 11 केवी लाइन टू लाइन कनेक्ट हो जाएगा और सेकेंडरी में जो कॉयल है उसका एक वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। जिसको हम ग्राउंड करते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रल और उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। न्यूट्रल एक कॉमन पॉइंट होता है 3 फेज सिस्टम में और उसको हम ग्राउंड कर देते हैं जिससे कि वो उसका वोल्टेज जीरो बना रहे, ग्राउंड का वोल्टेज जीरो होता है अप्रोक्स, तो जीरो बना रहे इसलिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। और एक कनेक्शन लेते हैं अर्थ से, उसको बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है इसको कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग और यहाँ पे अर्थिंग जो होता है इसको अर्थ से एक वायर लिया जाता है, अर्थिंग किया जाता है, पाइप अर्थिंग किया जाता है, रॉड अर्थिंग किया जाता है। तो इनके अंदर में डिफरेंस क्या है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ग्राउंडिंग और जब कोई नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं अर्थिंग। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, या कहीं कहीं पे अलग अलग देश पे एक ही चीज़ को अर्थिंग या ग्राउंडिंग किया कहा जाता है, लेकिन
मेनली टेक्निकली यही डिफरेंस है। करंट कैरिंग अगर होता है उसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राउंडिंग, और अगर नॉन करंट कैरिंग है तो उसको कहते हैं अर्थिंग ग्राउंड से कनेक्ट करने पर। तो अभी देखिए यहाँ पे 240 वोल्ट है, अभी ये न्यूट्रल तो अर्थ किया गया है, तो अगर आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े होकर के अगर न्यूट्रल को टच करते हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि शॉक हमेशा वोल्टेज के डिफरेंस में लगता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तब करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल भी 0 वोल्ट है, आप भी अर्थ पे खड़े हो 0 वोल्ट है, इसलिए आपको न्यूट्रल पे शॉक नहीं लगता है। इसलिए न्यूट्रल वायर पे हम स्विच का यूज़ नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो ठीक है। और लेकिन लाइन वायर जो है 240 वोल्ट, ये 0 वोल्ट पे है, ये लाइन वायर 240 वोल्ट पे है, इस पे अगर आप टच करेंगे तो आपके बॉडी से करंट फ्लो होगा, आपको शॉक लग सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई लाइन लीकेज होकर के इस बॉडी में कनेक्ट होता है तो ये अर्थ जो है 0 वोल्ट है, तो यहाँ से ये फ्लो होकर के ये ग्राउंडिंग से फ्लो होकर के न्यूट्रल से रिटर्न हो जाता है करंट, इसलिए आपको ह्यूमन को शॉक नहीं लगता है, क्योंकि ये जो अर्थिंग है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ पे बाधा कम होता है, इसलिए इधर से करंट फ्लो हो जाता है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, 1000 ओम से 10000 ओम तक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो अभी आप प्लग में आते हैं, तो यहाँ पे दो प्लग है, इधर की साइड सामने से अगर आप देखें इस तरीके से, ठीक है, सामने से अगर देखें ये वाला होता है लाइन दाएं की तरफ, राइट साइड सामने से, यहाँ पे ये लाइन रेड कलर से मार्क किया गया है, यहाँ पे भी ये वाला भी लाइन है, ये दोनों स्विच है। स्विच पे देखिएगा आप तो 1 लिखा हुआ हो रहता है, ये 1 का मतलब बाइनरी में नॉर्मली 1 का मतलब 1 ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है, तो 1 का मतलब ऑन है, इधर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, हमने समझ लिया कि यहाँ पे न्यूट्रल पे शॉक नहीं लगेगा और अर्थिंग भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लाइन को ऑन ऑफ करना है जिससे कि हमें शॉक ना लगे और लोड भी ऑफ हो जाए। तो अभी यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल के अक्रॉस 240 वोल्ट है, अगर इसके अक्रॉस आप डायरेक्टली एक लैंप को कनेक्ट कर दोगे तो वो ग्लो करेगा, लेकिन हमें ऑफ ऑन करना है तो आप यहाँ पे कट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा सकते हैं, जिससे कि वो कनेक्शन ऑन ऑफ ओपन या क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पूरा सर्किट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं अर्थिंग को लूँगा, अर्थिंग को लेकर के दोनों के टॉप जो पिन है, ये अर्थिंग पॉइंट होता है, जिससे कि हमारा 3-पिन प्लग में, यहाँ पे अगर इस 3-पिन प्लग को देखें तो ये वाला हमारा इंस्ट्रूमेंट के बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, जिससे कि वो वाला अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाता है, कहीं भी लीकेज करंट हो तो वो ग्राउंड में फ्लो हो जाता है, ह्यूमन का शॉक नहीं लगता है। अर्थिंग ह्यूमन सेफ्टी के लिए होता है और फ्यूज इंस्ट्रूमेंट के सेफ्टी के लिए होता है, फ्यूज एमसीबी, ठीक है। तो न्यूट्रल तो हमारा अर्थिंग तो हमारा कनेक्ट हो गया, अब न्यूट्रल की बारी, न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए न्यूट्रल भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, मैंने कहा था लेफ्ट साइड जो होता है न्यूट्रल, इधर न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लग जाके यहाँ पे भी न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है प्लग में, ये सामने के दिख से हम वायरिंग कर रहे हैं कि न्यूट्रल यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, अब जब पीछे घूम जाएंगे ये बाएं वाला पिन आपको दाएं में दिखेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे न्यूट्रल एन लिखा है, इस एन को एक वायर से जंपर करके कनेक्ट करना है और सोर्स के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। मेरे पास सभी कुछ रेडी है, थोड़ा देर बाद में आपको प्रैक्टिकली दिखा दो, अभी सर्किट को समझ लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई अगर और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको जल्दी कुछ वीडियो बना के इसका आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, तो हमारा सामने से ये देखिए सामने से वायरिंग हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल मिल गया, अभी देखिए अगर मैं ये लाइन डायरेक्टली इसको देता हूँ तो हमारा जो लोड है, अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ पे रेड वाला लाइन पे दे दिए, यहाँ पे ये मोटर है, इसका बॉडी को ग्राउंड कर दिया, न्यूट्रल दे दिया, इसके अंदर कॉइल में सप्लाई किया और इसको बॉडी को हमने अर्थिंग दे दिया, ठीक है, 3-पिन प्लग लगा के, तो ये मोटर चलेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट दे देता हूँ तो हर वक्त चलेगा, हमें कंट्रोल चाहिए ऑन ऑफ, इसलिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। और इस स्विच को हमको लाइन पे लगाना है, क्योंकि न्यूट्रल पे अगर लगाएंगे तो स्विच ऑफ करने के बाद भी हमारा लाइन डिवाइस में रहेगा, जिससे कि ह्यूमन शॉक लग सकता है। तो हम अगर लाइन को कट कर देंगे स्विच से तो हमारा मोटर कम्प्लीटली 0 वोल्ट पोटेंशियल पे चला जाएगा, जिससे कि कोई अगर उस पर काम करे तो शॉक नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ना देकर के स्विच के एक पॉइंट पे दे देंगे। नॉर्मली हम किसी ऊपर के पॉइंट को कॉमन कर देते हैं, क्योंकि सभी स्विच को इनपुट में लाइन चाहिए और आउटपुट में कंट्रोल करने के लिए चाहिए।
तो ऊपर या नीचे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम मैंने ऊपर कॉमन कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे लेकर के इसके आउटपुट दे दिया और इससे लेकर के इससे, जिससे कि ये स्विच ऑन करने पर ये सप्लाई इधर से होकर के इस प्लग पर पहुँच जाएगा और ऑफ करने पर यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं रहेगा। और इधर भी ये वाला सप्लाई यहाँ पे गया है, यहाँ से ये वाला ऑन करने से इधर से आएगा प्लग में पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अब कुछ टिप्स बात कर लेते हैं कि इसमें ये वाला पिन मोटा क्यों होता है और बड़ा क्यों होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पिन थोड़ा सा लंबा है और मोटा है। तो क्योंकि आप जब किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये अर्थिंग वाला पिन ही कनेक्ट होता है, ठीक है, और टाइटली कनेक्ट होता है। इसका रीज़न है अगर कोई डिवाइस फॉल्टी है, अर्थ फॉल्ट है उसमें, मतलब उसका बॉडी के साथ लाइन टच हुआ हुआ है, तो अगर आप इसको कनेक्ट करें, अगर अर्थ पहले ना कनेक्ट होकर के अगर लाइन पहले कनेक्ट हो, लाइन और न्यूट्रल पहले कनेक्ट हो, तो कोई पर्सन अगर उस डिवाइस को छू के रखेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। इसलिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इसका पिन को लंबा इसलिए रखा गया है कि लंबा हो तो पहले अर्थ घुसे, ठीक है, उसके बाद बाकी सब पिन। तो इससे क्या होगा कि वो डिवाइस पहले तो अर्थ मिल जाएगा, तो उससे ये वाला जो पिन पहले टच होगा तो अर्थ मिल जाएगा, उसके बाद लाइन और न्यूट्रल मिलेगा, तो उससे ह्यूमन का सेफ्टी होगा। और इसको मोटा रखा जाता है जिससे कि इस पिन के जो है अर्थिंग का पिन किसी और जगह पे ना घुस पाए, मतलब ये मोटा वाला पिन अगर लाइन के होल में घुस जाता है तो यहाँ पे जो बॉडी है लाइन हो जाएगा, इससे ही प्रिवेंट करने के लिए। ये तो था कुछ टिप्स पॉइंट। तो चलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दोनों को न्यूट्रल कॉमन करके सोर्स के न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है, लाइन को स्विच से लेना है दोनों, और दोनों स्विच के कॉमन करके लाइन इनपुट करना है, दोनों अर्थिंग को कनेक्ट कर देना है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। देखिए तो देखिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने डायग्राम में कहा था, न्यूट्रल बाहर से आएगा, जो हमारा सोर्स से न्यूट्रल लाइन आएगा, जो सोर्स से न्यूट्रल लाइन आएगा वो न्यूट्रल, देखिए पहले यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इस न्यूट्रल पे कनेक्ट है, उससे और एक वायर निकल के यहाँ पे एन लिखा हुआ है, दोनों प्लग में न्यूट्रल पहुँच गया, जिससे कि लोड पर हमारा न्यूट्रल पहुँच जाएगा। उसके बाद देखिए लाइन आकर के नीचे दो स्विच के पॉइंट को कॉमन कर दिया है, कॉमन करके अब ये ऊपर ऑन करेंगे तो इधर लाइन आ जाएगा, तो ये लाइन इस प्लग पे आ गया, और इधर ऑन करेंगे तो ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लग पे आ गया, दोनों एल एल पे कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम दोनों स्विच से दोनों प्लग को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये है सिंपल कनेक्शन, और इसके बाद हमारा अर्थिंग जो है दोनों के अर्थिंग पॉइंट में कॉमन कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा पोर्ट का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको मैं स्क्रू अप करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसका पैरामीटर है तो उसको भी आप देख लीजिए। तो हमने इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल पे न्यूट्रल और लाइन पे लाइन और अर्थिंग पे अर्थिंग कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए अच्छे से। तो अभी देखिए यहाँ पे आए हैं, अभी देखिए यहाँ पे लाइट राइट साइड लाइन पे कोई लाइन नहीं आ रहा है, स्विच देने पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्विच देने पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का कनेक्शन सही है। और इधर साइड भी हमारा नॉर्मली लाइन नहीं आ रहा है, स्विच देने पे आ रहा है, तो ठीक है कनेक्शन ठीक है। अभी एक लोड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास मल्टीमीटर जो है उससे टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। आप चाहे तो कोई 230 वोल्ट का 100 वाट का लैंप से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मल्टीमीटर पे 00 वोल्ट दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे लाइव मीटर पे कनेक्ट करता हूँ, कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ऑन करने पे देखिए 216 वोल्ट 18 वोल्ट आ रहा है। तो हमारा बोर्ड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो आपको ये बोर्ड का कनेक्शन और थ्योरी कैसा लगा नीचे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसको और भी एक्सटेंड करना है प्लग बोर्ड सेम लॉजिक ही है, थोड़ा सा आप सोचिए सर्किट के बारे में तो आप खुद ही कर पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।